द कश्मीर फाइल्स से निकला हिंदू मुस्लिम का जिन अभी थमा भी नहीं है, वहीं योग नगरी ऋषिकेश से एक वरिष्ठ संत के आश्रम में मुसलमानों द्वारा नमाज पढ़े जाने का पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसके बाद से धर्मनगरी हरिद्वार के संतों द्वारा ऋषिकेश के संत का विरोध शुरू हो गया है। संतों का साफ कहना है कि ऐसे संत जो सनातन धर्म संस्कृति का अपमान कर रहे हैं, उनका बहिष्कार करते हुए मुंह काला किया जाएगा। सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रहा है, जिसमें ऋषिकेश के वरिष्ठ चिदानंद मुनि अपने आश्रम में कुछ मुस्लिम नेताओं के साथ बैठे हैं, जिसमें ऐसा लग रहा है जैसे कि मुस्लिम नेता उनके ऋषिकेश आश्रम में नमाज पढ़ रहे हों। फोटो के वायरल होने के बाद से धर्मनगरी हरिद्वार के संत स्वामी चिदानंद मुनि ने खासा नाराज दिखाई पड़ रहे हैं। हरिद्वार के शांभवी आश्रम में आश्रम के परमाध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में संतों द्वारा बैठक कर चिदानंद मुनि का विरोध किया गया। संतों के साथ बैठक के बाद स्वामी आनंद स्वरूप ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि गंगा के पावन तट को दूषित करने का जो कार्य चिदानंद मुनि द्वारा किया गया है, उस पर हरिद्वार के संत उनको माफ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि काली सेना ने ऐसे संत द्वारा किए गए इस कार्य को धर्म विरोध करार देते हुए सनातन धर्म से बाहर करने और निवाड़ी अखाड़ा से उन्हें बाहर करने की सलाह दी है। उनका कहना है कि ऐसे संत भगवा पहनने के लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे संत केवल धन प्राप्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वहीं काली सेना के प्रमुख विनोद गिरी महाराज ने कहा कि काली सेना ऐसे किसी भी व्यक्ति या संत को बर्दाश्त नहीं करेगी जो हिंदू विरोधी कार्य करेगा। अगर कोई संत इस तरह का कार्य करता है तो वह उसका विरोध करेंगे। उन्होंने घोषणा की कि चिदानंद मुनि द्वारा जिस तरह से प्रतिबंधित क्षेत्र में नमाज पढ़ाई गई है, उसका काली सेना विरोध करती है और घोषणा करती है कि वह ऐसे संत का मुंह काला करने का कार्य करेगी। हम भी कल ही ये फोटो देखे हैं, देख करके इतनी पीड़ा हुई कि जिस प्रकार से समाज में वैमनस्यता फैली है। अभी कश्मीर फाइल देख करके वो जो इस्लामिक हिंसा थी उससे हम बाहर ही नहीं निकले थे, तब तक ये एक व्यक्ति जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार कहता है, चिदानंद मुनि जो ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में रहता है और वो आए दिन ऐसी हरकतें करता रहता है, उससे कोई बात नहीं थी, लेकिन अब तुम ला करके परमार्थ निकेतन में गंगा के पावन तट को दूषित करने का जो काम किया है तुमने, वो अक्षम्य है और इसके लिए अब इस बार निंदा नहीं करेंगे हम लोग। हमने अभी काली सेना को जिम्मेदारी दी है कि काली सेना तत्काल इस व्यक्ति को जिसने कि ऋषिकेश जो प्रतिबंधित क्षेत्र है जिसमें आप मस्जिद नहीं बना सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, निषेध है, ऐसे पवित्र भूमि में गंगा तट को दूषित करने के काम करने के अपराध में हमने धर्मद्रोह करने के जुर्म में हम लोगों ने चिदानंद मुनि को सनातन वैदिक धर्म से बाहर करने, और मैं अखाड़े से निवेदन किया हूं निर्माणी अखाड़े से कि वो भी इस व्यक्ति को तत्काल बाहर करे, नहीं तो इसका परिणाम उनको भी भुगतना पड़ेगा। मैं इस बात के लिए कह रहा हूं कि अब चिदानंद मुनि भगवा पहनने के लायक नहीं है, उनको तत्काल छोटा पैजामा और बड़ा कुर्ता पहना करके जालीदार टोपी पहना करके उनको छोड़ दिया जाए ताकि जाकर के देवबंद में नमाज पढ़े। सनातन धर्म के प्रति ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है और जो ये धर्म के ठेकेदार हैं, जो अपने यहाँ मौलवियों को बुला करके अपने यहाँ आश्रम में नमाज पढ़वाते हैं और ये घोषणा करते हैं कि भाई हमारे गुरुकुल के बच्चे उनके मस्जिद में जाकर के कुरान पढ़ेंगे, ये बिल्कुल ही गलत है। इसको संत समाज और हम जैसे लोग जो सनातन धर्मावलंबी हैं इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको इतना ही यदि प्रेम है, लगाव है सनातन धर्म को छोड़ करके, लंबी टोपी पहने और छोटा पजामा और कुर्ता पहनकर के उनके यहाँ नमाज पढ़े, हमें कोई इतराज नहीं है, पर जिस तरह की हमारे सनातन धर्म के आश्रमों में इस तरह का खिलवाड़ होगा वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इनको यह तो क्षमा मांगनी चाहिए सामूहिक रूप से, अथवा इनको इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेना चाहिए।